जो भूपेश बघेल जी ने वादा किया था कि 10 दिनों के भीतर सभी संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति हो जाएगी, नियमित नियुक्ति हो जाएगी। छत्तीसगढ़ की जनता ने सरकार को ऐतिहासिक जनादेश निगम और मंडल और आयोग में नियुक्ति करने के लिए नहीं दिया। ये जनादेश उन्हें जो संविदा कर्मचारी हैं उनको नियमित नियुक्ति देने के लिए दिया गया था। तो मैं तो चाहूंगा कि जितने लोगों को भी ये पद बांटा गया है, बंदरबांट जो हुई है, उनको नैतिक रूप से ये कह देना चाहिए कि पहले हमारे प्रदेश के एक एक संविदा कर्मचारी का नियमितीकरण होगा, उसके बाद हम अपना पदभार संभालेंगे। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है। दूसरा मुद्दा जो मैंने आपको भी बताया कि हम लोग छत्तीसगढ़ को अडानीगढ़ नहीं बनने देंगे। तीसरा शराबबंदी को लेकर भी हम सरकार को चौतरफा घेरेंगे। शरद पवार जी से मुलाकात हुई है? मैंने श्री शरद पवार जी से भेंट करी। अपने पिताजी की जो आत्मकथा है सपनों का सौदागर, उसकी प्रति उनको दी। हमारे बस्तर के एक बहुत लोकप्रिय आर्टिस्ट थे जिन्हें प्रेसिडेंट मेडल भी मिला, जयदेव बघेल, उनका बेल मेडल का एक कलाकृति उनको भेंट किया। और मरवाही क्षेत्र की जो हमारी बहनें हैं उन्होंने पवार जी के लिए और सुप्रिया जी के लिए कुछ क्या कहते हैं कम गमछे और वो दुपट्टे बनाए थे, तो वो भी उनको दिया, उन्हें पसंद आया। और हम लोगों ने प्रदेश में जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति है उस पर भी चर्चा करी और आगे किस तरह मिलकर हम एक क्षेत्रीय दल तीसरे विकल्प की सरकार देश में बनाए, प्रदेश में बनाए, इस पर भी चर्चा हुई। और मैं दोबारा उनसे कुछ ही दिनों में मिलूंगा। साथ ही हम लोग जितने भी तीसरा मोर्चा के नेता हैं, अभी जब दिल्ली जाऊंगा तो अभिषेक मुखर्जी जी हैं उनसे मिलूंगा, अरविंद केजरीवाल जी से मिलूंगा। अगले महीने में मद्रास में, चेन्नई में स्टालिन जी से भी मिलूंगा। तो इस तरह से हम लोग चाहते हैं कि उनके अनुभव से भी हम सीख लें और छत्तीसगढ़ में जो काम श्री अजीत जोगी जी ने चालू किया था उसको पूरा करें, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ियों की सरकार बनाए।